आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर कोट बेजा पंचायत के झांगड़ गांव में अलखदाता के दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए। मेला कमेटी झांगड़ ने मुख्य अतिथि व आए हुए मेहमानों का जोरदार स्वागत किया, साथ ही उन्हें शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। डॉक्टर राजीव सैजल ने दंगल को विधिवत प्रारंभ करवाया व पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। दंगल में आए पहलवानों ने अखाड़े में बेहतरीन कुश्ती का प्रदर्शन कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में लोगों को इस दंगल में पधारने पर शुभकामनाएं भी दी व साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए ये भी कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। ठाकुर जयराम जी, जो कि हमारे इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री और नौजवान मुख्यमंत्री, और पहली बार जो है वो ऐसे इतने नौजवान मुख्यमंत्री को जो है इस प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला है। सरकार जो है वो बहुत भावना के साथ काम कर रही है। झांगड़ निवासियों द्वारा दिए गए मांग पत्र के बारे में मंत्री महोदय ने मांगों को सही दिशा में ले जाने का आश्वासन भी दिया और साथ ही दंगल कमेटी को 5100 रुपये की राशि भी प्रदान की। सम्मान करें और धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा जी का, जिन्होंने इस कुश्ती की कवरेज की है। कल आप सभी लोग YouTube पे इस कुश्ती का लाइव कवरेज दोबारा देख सकते हैं, जिसके लिए इनका हम धन्यवाद करते हैं।
नारे में अपने आप तोलते अपने आप। करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।